हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स नीट 2019 से जुड़ी काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। स्टेप वाइज स्टेप काउंसलिंग प्रोसीजर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर, और कितने नंबर वाले काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं अब की बार जहाँ पर उनको अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, कितने नंबर चाहिए आपको अच्छे कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए, क्या होती है काउंसलिंग और कैसे होती है, कंप्लीट प्रोसीजर बेसिक से आपको समझा दिया जाएगा। जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते उनको भी समझ आ जाएगी कि काउंसलिंग होती क्या है और कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी और कितने स्टेट में काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। और एक वीडियो देख करके आप अपने सभी डाउट जो हैं दूर कर पाएंगे। आपका काउंसलिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेजेज, प्राइवेट कॉलेजेज से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो के अंदर आपको सब अपने डाउट्स के आंसर मिल जाएंगे। तो ये वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर राय जरूर दीजिएगा, या फिर कोई क्वेश्चन क्वेरी रह जाता है तो वो भी आप वहाँ पर ज़रूर पूछ लीजिएगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हम जैसे भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर तीन राउंड होंगे काउंसलिंग के, और काउंसलिंग होती क्या है सबसे पहले तो वो जान लीजिए। काउंसलिंग होती है फ्रेंड्स, आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है अभी 2019 का, उसके बाद आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा उसको देखने के लिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए है, कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, तो उसी के लिए काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग प्रोसीजर है आपको कॉलेज दिलवाने का। तो फ्रेंड्स, काउंसलिंग के बारे में आपको पता लग गया है। अब काउंसलिंग जो है तीन राउंड के अंदर होती है। फर्स्ट राउंड की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है ये तो आप सिंपली नीट काउंसलिंग की वेबसाइट के ऊपर जा करके कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और अगर आपको नहीं करना आता तो आप किसी भी साइबर कैफ़े वाले से करवा लीजिएगा एक बार नीट का रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद आपको कॉलेज की लिस्ट आती है जिसमें से आपको अपने पसंद के कॉलेज जो है वो चॉइस उसकी फिल करनी होती है, सिलेक्ट करने होते हैं कॉलेज। और अब बात आती है कि आप कितने कॉलेज जो है, कितनी चॉइस सीट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप जितनी चाहें उतनी सिलेक्ट कर सकते हैं चॉइस सीट्स। उसके बाद आपको कन्फर्म हो लेना है कि मैंने ये सीट चॉइस की है, मैं यही करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको लॉक चॉइस का ऑप्शन आता है, लॉक चॉइस कर देना है। लॉक चॉइस का मतलब है आप उसके बाद मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे जो जो आपने सेलेक्ट की है। उसके बाद आपको रिजल्ट का वेट करना है कि मुझको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ पर अगर कोई अलॉट हो जाता है तो आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग देनी है उस कॉलेज के अंदर। अगर नहीं हो पाता है दो केस आते हैं फ्रेंड्स, एक तो कैंसिल फॉर्म, आपका रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही कैंसिल हो गया फॉर्म, या फिर एक नॉट सेलेक्टेड अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाए या फिर आपका कैंसिल फॉर्म हो गया है, इसी कंडीशन में आप सेकंड राउंड काउंसलिंग के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। सेकंड राउंड काउंसलिंग के अंदर क्या है, नए रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, दोबारा से सीट चॉइस करनी होगी, लॉक चॉइस करना होगा, रिजल्ट का वेट करना होगा। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कब से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर फ्रेंड्स स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एंड इंडिकेटिव सीट्स जून 2019 से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन और कब तक कर पाएंगे आप चॉइस फिलिंग और इंडिकेटिव सीट्स या रजिस्ट्रेशन 2019 जून के अंदर ही, फर्स्ट या सेकेंड वीक तक। इसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग वो भी आपको जून में ही करना होगा, वो डेट आ जाएगी एक बार जब नीट का रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट ऑफ राउंड वन जो है आपका जून के लास्ट वीक में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज जून 2019, ये प्रोसीजर आपका फर्स्ट राउंड का कम्प्लीटली जून के अंदर होने वाला है। तो आपको जो है इस डेट्स आने के बाद आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इस डेट को रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ तक मेरे को जो है सीट अलॉटेड कर देने, चॉइसेस जो फील है वो कर देने, सब कुछ दो जून के अंदर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। सेकंड राउंड की बात की जाए फ्रेंड्स तो सेकंड राउंड के अंदर आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है जुलाई 2019 के फर्स्ट वीक में।
एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस एंड लॉकिंग, ये आपको 2 वीक का समय मिलेगा जिसमें आप चॉइस फिल कर पाएंगे और लॉक कर पाएंगे। रिजल्ट आएगा फिर इनका अगस्त 2019 के अंदर, अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा, और रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज, और अगस्त 2019 के अंदर आपको सेकेंड वीक के अंदर अराउंड आपको वो करनी है रिपोर्टिंग, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स एक होता है मॉपअप राउंड, अगर 2 राउंड में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता है, तो एक और राउंड आपको दिया जाता है जिसमें आपको अच्छा मौका होता है। मॉपअप राउंड का मतलब है 3rd राउंड। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करनी आपको अगस्त 2019 के लास्ट वीक तक, और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग फॉर मॉपअप राउंड इसको भी अगस्त 2019 में ही, रिजल्ट आ जाता है इसका अगस्त के लास्ट वीक में, और रिपोर्टिंग करनी होती है अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो अगस्त 2019 के अंदर ही। तो फ्रेंड्स ये 3 होते हैं काउंसलिंग के प्रोसीजर राउंड जो है काउंसलिंग के, 1st राउंड, 2nd राउंड और 3rd राउंड। आपको 3 बार मौके दिए जाते हैं, 1st में हो जाता है तो वेर एंड गुड, अगर 1st में नहीं होता तो 2nd मौका, 2nd में नहीं होता है तो फिर आपको एक और लास्ट राउंड मॉपअप राउंड दिया जाता है, इसके अंदर आपका हो जाता है तो ठीक है, वरना आप काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब बात आती है आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो इसमें चाहिएंगे, तो अभी की अभी आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट टाइम में ये कुछ सब कुछ कलेक्ट करना थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो फ्रेंड्स क्या क्या चाहिएंगे आपको डॉक्यूमेंट वो देख लीजिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग, कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलोंग विद अटेस्टेड फोटोकॉपीज और डॉक्यूमेंट। तो एक तो है मार्कशीट, मार्कशीट के पास आपको ओरिजिनल भी होनी चाहिए और आपके पास जो है उनकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, नीट 2019 का एडमिट कार्ड होना चाहिए, नीट 2019 रैंक कार्ड या फिर रैंक लेटर होना चाहिए जो आपके पास क्वालिफाइंग का आता है कि आपका इतना रैंक आया इतना नहीं। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप बीसी ओबीसी या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं आप। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 8 तो होनी चाहिए, अगर 8 नहीं है तो 6 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही है। आइडेंटिफाई प्रूफ, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, या फिर जैसे कि पहचान पत्र हो सकता है, वो आधार कार्ड हो सकता है, या फिर कोई अन्य जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होगा जो आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब प्रोसीजर था काउंसलिंग को लेकर के, और काउंसलिंग में सिंपल बात मैं बता दूं, आपको काउंसलिंग कुछ नहीं है, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा बस यही काउंसलिंग है। काउंसलिंग का मतलब यही है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया है कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है और कैसे होती है काउंसलिंग। अब हम जान लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको फ्रेंड्स कम से कम 560 प्लस नंबर चाहिए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसा रिजल्ट आया है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है, जैसा पहले उम्मीद लगाई जा रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है। तो 560 में भी आप श्योर नहीं हो कि आपको कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज की बात यहाँ पर हो रही है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी सेम कट ऑफ रहेगी, और एससी कैटेगरी के अंदर 460 प्लस और एसटी कैटेगरी के अंदर 430 प्लस। ये कट ऑफ नीट एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हैं। और जब बात की जाती है प्राइवेट कॉलेज की, तो कम फीस के अंदर आपको अगर चाहिए है प्राइवेट कॉलेज, तो आपको 500 से 520 के अंदर जनरल कैटेगरी, 500 से 520 ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी 430 के राउंड, और एसटी कैटेगरी में 400 के राउंड आपके नंबर होने चाहिए आपको अच्छे कॉलेजेस लेने हैं तो प्राइवेट कम फीस पर। और थोड़ी सी फीस ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो आपका 400 जनरल में, ओबीसी में और एससी कैटेगरी में 350 के राउंड और एसटी कैटेगरी में 300 के राउंड आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। और जब बात आती है डीम्ड की, डीम्ड कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी, तो 540 के राउंड जनरल कैटेगरी की, 540 के राउंड ओबीसी की और एसी कैटेगरी की, 430 के राउंड और एसटी कैटेगरी की 400 के राउंड। और जब बात की जाए तो आप काउंसलिंग में कब आपको हिस्सा लेना चाहिए, तो फ्रेंड्स अगर आपके जनरल कैटेगरी के अंदर 400 प्लस नंबर है तो आप काउंसलिंग में हिस्सा जरूर लें, क्योंकि काउंसलिंग में कई बार क्या होता है मॉपअप राउंड के अंदर कम नंबरों पर भी एडमिशन हो जाता है। अगर आपका लक काम करेगा तो आपको क्या पता 400 नंबर पर भी कॉलेजेस मिल जाए। इसी प्रकार ओबीसी में भी 400 प्लस, एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर 300 प्लस आपके अगर नंबर हैं तो आप जरूर हिस्सा लें। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि कितने स्टेट में काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं तमिलनाडु के अंदर जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने इन्फॉर्म भी आपको कर दिया था, और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, वहाँ पर जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और केरला स्टेट में पहले हुई थी। तो फ्रेंड्स आप जो है जल्द ही काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवा लें।
और जो है अन्य स्टेट में जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।